What's up guys, this is Vigrid. Welcome back to my channel. आज वो दिन आ गया है जब हम लोग अपना नॉर्थ ईस्ट राइड शुरू करने वाले हैं. सो वी वर स्टेइंग इन होटल जिंजर और असम का मतलब ये गुवाहाटी में काफ़ी अच्छा है होटल. हम लोग तो मतलब फर्स्ट टाइम आए एंड इवन नॉर्थ ईस्ट का राइड हम लोगों का पहली बार में होने वाला है. तो अभी क्या सीन है, हम लोग यहाँ से लगेज सिस्टम अपना पूरा पैक वैक हम लोगों ने कर लिया था क्योंकि कल रात में जैसे आप लोगों ने थोड़ा सा क्लिप्स में देखा होगा कि हम लोगों की बाइक्स जो है अराउंड 12:30 पहुँची. सो दैट वाज बिकॉज 25 एंड 26 को यहाँ पे प्रेसिडेंट आ रहे थे तो उनकी वजह से कुछ जो हाईवेज़ हैं वो ब्लॉक हो गए थे. तो अभी सीन कुछ ऐसा है, देखो बाइक वाइक्स रेडी हो रही है एंड अपना जो है यहाँ पे ये वाला सामान अभी ये पीछे माउंट हो जाएगा. देन टैंक बैग अपना हो गया यहाँ पे फिट एंड उसी के साथ में ये वाला टेल बैग मैं कैरी कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा सामान हो रहा था. तो एनीवेज तो अभी ये माउंट करते हैं देन उसके बाद में यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे. तो स्टे ट्यून्ड एंड पूरा राइड सीरीज अमेजिंग होने वाला है. तो पूरे जो व्लॉग्स आएंगे ना सारे एंड तक देखना तो मज़ा आ जाएगा. चलो अभी फिर अपना सामान वामान माउंट करते हैं देन उसके बाद में निकलते हैं. तो अभी हम लोगों का सेटअप ऐसे बाइक का रेडी हो चुका है. तो मैंने जो SW मोटोटेक के बैग लिए थे वो कुछ इस तरीके से आ गया एंड ये बन गया अपना सिंहासन. तो बहुत मस्त से सेट हो गया एंड दिस आवर जो हम लोगों ने यहाँ पे बांध दिया इसको इस तरीके से एंड अभी सही है हो गया है और इसको बैक सपोर्ट भी मिल जाएगा एंड इसी के साथ में टैंक बैग हो गया, इसमें अपना फ़ोन आ गया यहाँ पे, ऑल सेट है. किधर पे है, किधर पे पेट्रोल पंप? ओए ओए ठंडा रखा भाई. पड़ा है 1186 रुपीस का फुल टैंक. तो अभी देखते हैं यहाँ से कितना जाता है. वैसे डिस्टेंस तो काफ़ी कम है, बट ओनली थिंग इज कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, थोड़ा सा लंबा रास्ता रहेगा. एंड देखो अभी सारे पेट्रोल पड़वाने के लिए पड़े हुए हैं एंड अभी पेट्रोल का प्राइस क्या है यहाँ पे, पेट्रोल का प्राइस है 94.59, सही है. तो इधर से पेट्रोल पड़वाएंगे तो बढ़िया रहेगा. अभी हम लोग यहाँ से गुवाहाटी सिटी से निकल रहे हैं एंड फिलिंग विलिंग अपना हो चुका है, फुल टैंक दिखा रहा है, राइड रेंज अभी कम दिखा रहा है क्योंकि हम लोग ट्रैफिक में राइड कर रहे थे. तो अभी सारे सेना 50S में कनेक्टेड है तो बेस्ट खचपच मची हुई है. मैं थोड़ी देर के लिए माइक म्यूट कर देता हूँ, मे बी शायद आप लोग आवाज़ कैप्चर हो रहा होगा तो सुनाई दे रहा होगा, बट यार अल्टीमेट मज़ा आने वाला है, मतलब फुल ऑन फन. जहाँ जाएंगे रुक रहे हैं थोड़े दिन, चिल कर रहे हैं, वाइब ले रहे हैं वहाँ का एंड देन उसके बाद में आगे निकल रहे हैं. एक चीज़ और आप लोगों को बता दो, अगर मेघालय साइड जा रहे हो तो डू कैरी कैश क्योंकि वहाँ पे उधर साइड में ATM तो मिल जाएगा बट आप लोगों को ना कहीं पे गूगल पे या फिर फ़ोन पे ये सब चीज़ें नहीं मिलेगी. सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड शिलोंग एंड शिलोंग से हम लोग जो रास्ता लेंगे वो रहेगा नॉन पेडोंग करके, मतलब बेसिकली वी आर गोइंग टूवर्ड्स द्वाकी रिवर. प्रोनाउंसिएशन अभी मैं मे बी ना कर पाऊँ बेटर वे में, बट वहाँ पे जब लोकल विजिट करेंगे देन उसके बाद में आप लोगों को बताऊँगा बेसिकली प्रोनाउंसिएशन उसका कैसा है. तो अल्टीमेट है स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल एंड. आगे वाली आने वाली सीरीज में भी ना व्लॉग्स मस्त आने वाले हैं. क्या इन्हें सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा? सो गाइज अभी हम लोगों को ना यहाँ पे मेघालय एंटर करने वाले हैं. सो वी हैव टू इंस्टॉल दिस मेघालय टूरिज्म ऐप. सो ये वाला ऐप इंस्टॉल करना रहेगा देन उसके बाद में कोविड सर्टिफिकेट दिखाना है तो ई पास देंगे ये लोग कुछ. लेट्स सी, हो चुका है सारा काम. ओ बड़ा टाइम लग गया यार, ऑलमोस्ट 1 घंटा बर्बाद हुआ यहाँ पे. हो तो ये थोड़ा सा मैंडेटरी है यहाँ पे एंड आप लोगों को कोविड का जो सर्टिफिकेट है वो भी दिखाना रहेगा जब टूरिज्म ई पास आप लोग ले लेते हो उसके बाद में. बेसिकली हम लोग अभी मेघालय एंटर कर चुके हैं तो हम लोगों को ई पास लेना पड़ा जो कि हम लोगों को यहाँ पे बीच में 1 आवर का हॉल्ट हो गया उसकी वजह से. तो सीन कुछ ऐसा है कि मेघालय टूरिज़्म का ऐप आप लोगों को इंस्टॉल करना है एंड वहाँ पर जाके आप लोगों को रजिस्टर करना है
अभी तो ये सिचुएशन है, बट एनीवेज अगर आप लोग कभी प्लान कर रहे हो एंड यहाँ पे आना चाहते हो देन डू मेक श्योर, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट का थोड़ा सा ना प्रॉब्लम है। मेरे को ऐप डाउनलोड करने में ही लिटरली काफ़ी टाइम लग गया। रोड्स ऐसी है कि हल्का सा पैची है कहीं कहीं, ज़्यादा कॉर्नरिंग आई वुड नॉट सजेस्ट, बट आप लोग जब भी राइड कर रहे हो अच्छा खासा स्पीड मेंटेन करके चल सकते हो, जैसे मैं 80-100 ऐसा के स्पीड में जा रहा हूँ, तो विच इज़ क्वाइट गुड इनफ टू कवर अराउंड 200 किलोमीटर्स अ डे। तो हम लोग एक जगह रुके, बट एक्चुअली हम लोग सोचे नहीं कि यहाँ पे वाटरफॉल हो। वाह यार क्या मस्त आ रहा है, अमेजिंग। अरे हम लोग ऐसे ही रुक गए, बट हम लोगों को पता नहीं था क्योंकि ये वाले पत्थर से दिखा नहीं, बट यहाँ पे मस्त वाटरफॉल है। बढ़िया सा यहाँ पे वाटरफॉल मिल गया था एंड हम लोग सारे रुक गए यहाँ पे स्टोरीज बनाने के लिए। तो स्टोरीज अगर देखनी है तो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @wickedriderblogs एंड इसके साथ में यहाँ से निकलते हैं आगे शिलोंग में। शिलोंग में हम लोगों का प्लान है लंच करने का, तो लंच करेंगे देन उसके बाद में आगे हम लोग निकल जाएंगे। एक चीज़ और अच्छी इस जगह की है कि हर जगह पेट्रोल पंप मतलब पड़ रहे हैं आराम से, 5-10 किलोमीटर्स में बहुत सारे पेट्रोल पंप्स हैं एंड मतलब कभी भी इस वाले रूट पे तो आई डोंट थिंक सो कि कभी प्रॉब्लम होने वाली है। फोन उड़ाना है क्या, ड्रोन उड़ाना है, ड्रोन लवली प्लेस यार, मतलब क्या मस्त है नज़ारा, बढ़िया है यहाँ से। कर रहे हैं बिल्कुल, हूँ मचाने के लिए रुक गए थे एंड यहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं शिलोंग में। शिलोंग में एक जगह होटल है, वहाँ पे जाके करेंगे हम लोग लंच एंड देन उसके बाद में 100 किलोमीटर्स और रह जाएगा। सो ज़्यादा नहीं है डिस्टेंस, बट मज़ा आ रहा है यार ऐसे, मतलब थोड़ा सा कम डिस्टेंस रहता है एंड राइड करते जाते ना तो मज़ा आता है। तो बीच में एक्चुअली जगह नहीं देख पाए, सिर्फ हाईवे रन चल रहा है, सो उसमें मज़ा नहीं आता ज़्यादा। बाकी जो एक्सपेंसेस रहेंगे, एक्सपेंसेस भी आप लोगों को बताते ही जाऊँगा मैं, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक तो पेट्रोल ही पड़वाया है, प्राइस 1186 का एंड होटल का, यस होटल का हम लोगों का लगा 3000 रुपीज़ पर रूम। अभी हम लोग क्रॉस कर चुके हैं शिलोंग सिटी एंड अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं टूवर्ड्स द्वाकी एंड जो अभी डिस्टेंस रहेगा 100 किलोमीटर्स का, जो एक्चुअली रेस्टोरेंट हम लोग ने देख के रखा है दैट इज़ इन मिड ऑफ शिलोंग एंड द्वाकी। तो अभी देखते हैं कितना टाइम लगेगा क्योंकि ट्रैफिक व्रैफिक बहुत ज़्यादा है भाई, बट लवली रूट यार, क्या नज़ारे हैं यहाँ पे, मतलब देख के मज़ा आ जाएगा। और नॉर्थ ईस्ट ना जाके, मतलब जो जो लद्दाख राइड का प्लान कर रहे हैं ना, इस बार लद्दाख ना जाके नॉर्थ ईस्ट आओ यार, ट्रस्ट में मज़ा आएगा, बहुत ही लवली प्लेस है। सो गाइस अभी हम लोग रुक गए थे यहाँ पे थोड़ा सा लंच वंच करने के लिए एंड काफ़ी मतलब सही था, मतलब होमली कुक था। तो हम लोगों ने अभी चिकन थाली मैंने खाया, बाकियों ने वेज थाली खाया, तो अच्छा है, मतलब ऑप्शन एटलीस्ट है यहाँ पे कुछ खाने का। सो दिस इज़ द प्लेस वेयर वी आर, तो ये है इसका क्या नाम है, बहुंस ढाबा। ओके तो थोड़ा बहुत ब्रेक के लिए रुक गए अभी एंड इसके बाद में द डिस्टेंस इज 74 किलोमीटर्स, तो अभी यहाँ से कुछ टाइम लग जाएगा अराउंड 2 आवर्स का, क्योंकि रास्ता थोड़ा सा घूम के है इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है। एंड अभी लोकेशन तो बहुत बढ़िया वाली शुरू हुई है यहाँ पे, तो अभी मज़ा आएगा, मतलब धीरे धीरे। दर्शकों को बताओ थोड़ा सा एयरॉक्स पे कैसा रहा। एयरॉक्स पे मज़ेदार है यार, ठीक है, मतलब स्ट्रेस नहीं लग रहा है, खाली थोड़ा सा सस्पेंशन जो सामने का स्टिप है तो रफ पैच में थोड़ा अच्छा नहीं फील हो रहा है, बट अदरवाइज अच्छा लग रहा है क्योंकि गियर वेयर चेंज करने की टेंशन। दौड़ा रहे हो मस्त हमसे। हाँ मतलब देखो अभी बाइक जैसा पावर नहीं आएगा, लेकिन स्कूटर के हिसाब से सोच के चलाने से अच्छा लग रहा है चलाना। चलो तो गाइज अब यहाँ से रह गया है द्वाकी 71 किलोमीटर्स और कुछ इस तरीके से रास्ता है, बहुत ही अमेजिंग, मतलब मस्त है यार। एंड दिस द्वाकी इज 58 किलोमीटर एक्चुअली, तो हम लोगों को जाना है यहाँ से लेफ्ट। वाओ अमेजिंग यार। सो गाइज एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी लोकेशन में रुके हुए हैं हम लोग यहाँ पे एंड ये देखो कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे नीचे वाटरफॉल है एंड अभी मस्त वाला मौसम रखा है, बिल्कुल ठंडा हो गया है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा क्लाउडी है
तो अभी यहाँ से चलते हैं और अब ड्रोन शॉट इंजॉय करो, देन उसके बाद में मिलते हैं। ये क्या इधर पे लैंडस्लाइड हुआ है क्या? लैंडस्लाइड ही हुआ है। मजा आ गया। क्या चल रहा है यार, राइड करते जा रहे हैं, देख के ट्रैक आ रहे हैं। अभी थोड़ा सा पैच पड़ा है जहाँ पे रोड कंस्ट्रक्शन चल रहा है, सो यहाँ पे थोड़ा सा देख के चलाना पड़ेगा क्योंकि काफ़ी कंकड़ है अभी। एक्चुअली लेयर बिछाई होगी रोड के लिए, इट इज़ नॉट कंप्लीटेड येट। पहले ही दिन में मिल गया ऑफ रोड। ओ भाई साहब, लैंडस्लाइड ऑफ रोड। काफ़ी राइड करने के बाद में अभी हम लोग पहुँचे एक छोटी सी लोकेशन पे, तो अच्छी सी चाय की टपरी पड़ी है, तो अभी यहाँ पे थोड़ा चाय वाय पियेंगे। एंड अभी यहाँ से कुछ रह गया 20-30 किलोमीटर। एक्चुअली थोड़ा सा बीच में ऐसा हो गया था कि ऑफ रोड वाला पैच आ गया था, तो उसकी वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बट चलता है यार, अपने को राइड का फन मज़ा आता है। एंड यहाँ पे चाय, एक्चुअली वो मिडे केस के साथ और ज़्यादा हैवी हो रहा है, बट लिटरली यार मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब ऑफ रोड जब पड़ जाता है सुपर बाइक में स्पेशली, तो बहुत ज़्यादा ऐसा क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिंग हो जाता है, तो बाल वाल का तो बुरा हाल है। तो ये देखो यहाँ पे मतलब ना आसपास कहीं पे भी देखोगे तो ये पूरा बीटल नट, वो जो सुपारी कहते हैं ना, उसका यहाँ पे खेती होता है। और उधर वाले पार में जाके वो है बांग्लादेश, तो यहाँ से दिख रहा है अपने को। और ये देखो बीच में रिवर जा रही है, तो दिस इज़ बेसिकली द रिवर, और जो ट्रांसपेरेंट वाली द्वाकी रिवर है, और मस्त है यार, मतलब अच्छा लोकेशन है। देखो तो यहाँ पे ये द्वाकी रिवर, तो बेसिकली मेन स्ट्रीम जा रही है, उसके थोड़ा सा साइड में जाके है ये, तो मस्त दिख रही है यार। किधर लगाना? इधर इधर लगा। एक्सपीरियंस कर रहे हैं सनसेट फ्रॉम द्वाकी, और बहुत ही अमेजिंग जगह थी यार, मतलब थोड़ी देर चिल किए, इन्जॉय किए, मज़ा आया। एंड अभी यहाँ से हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स मतलब अपना होटल जहाँ पे भी बुक किया है, तो अभी यहाँ से जाके चेक इन वेक इन करते हैं। एंड तब तक क्योंकि थोड़ा सा होटल एक्चुअली देखना है क्योंकि सबको रूम्स नहीं मिल पाए हैं। सो गाइस देखो अभी हम लोग यहाँ से जा रहे हैं टुवर्ड्स होटल, तो शॉन पेडोंग दैट इज़ अ प्लेस वेयर वी आर गोइंग नाउ। तो वो प्लेस थोड़ा सा दूर है यहाँ पे, बट वहाँ के पास में जो रिवर है ना, दैट इज़ मोर क्लीन, क्योंकि यहाँ पे वाला जो द्वाकी रिवर जो दिखा रहा था जहाँ पे पॉइंट आप लोगों ने अभी पिछले देखा, सो दैट इज़ एक्चुअली लिटिल बिट कमर्शियलाइज, तो उसकी वजह से ना वो क्लीन नहीं रही है उस लेवल की। तो लेट्स सी, जाके देखते हैं कैसा है, होम स्टे है यहाँ पे और कई सारे होटल्स भी हैं। सो गाइस अभी इस लोकेशन पे आए हैं, दिस इज़ अ शॉन्ग पेडोंग, तो यहाँ पे अंदर आने के लिए एक बाइक का 50 रुपीज़ का एंट्री पास है, तो हम लोगों के पास में 12 बाइक है, तो हम लोगों ने 600 रुपीज़ का पास लिया है। और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे जो कैंपिंग साइट है और वहाँ पे जाके देन रुकेंगे, मस्त लग रहा है। बट नीचे एक्चुअली ये वाला डॉकी वाली साइड से बेटर है, यहाँ पे ज़्यादा क्लियर पानी है।